आपका स्वागत है हमारे नए चैनल RS Final Destination में। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल SSC से जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उसको हम 20 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, जिसमें आपको करंट भी मिलेगा जो कि 6 मंथ का होगा। जो पेपर से जैसे कि आपका ये यूपी ट्रिपल SSC द्वारा जो आयोजित परीक्षा की जा रही है लोअर परीक्षा, इसमें जो करंट हम आपको देंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट आपको मिलेगा। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और जानकारी देंगे कि हम क्लास में आपको बताएंगे क्या। जैसा कि हमारी पहली क्लास में हमने आप रखा है हिंदी में समास और वर्णमाला को रखा है, रीजनिंग में पासा और कैलेंडर, मैथ में एवरेज, सामान्य अध्ययन में जनसंख्या और नगरीकरण, विज्ञान में लाइट और साउंड, इन्हीं सब को आपको पहली क्लास में इन्हीं सबसे आपको मिलेगा। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं पासा। पासे से बहुत सारे क्वेश्चन तो पुट अप नहीं होते हैं, लेकिन हर परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन उससे मिल जाते हैं और बहुत ही ईजी होता है ये चैप्टर। देखिए, पासे में 2 प्रकार के पासे होते हैं। पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है सामान्य पासा। पेपर में दिया होता है मानक पासा के बारे में और सामान्य पासा के बारे में। तो मानक पासा वो पासा होता है जिसकी दोनों फलकों के मतलब विपरीत अंकों का सम 7 होता है, और जिनका 7 नहीं होता है वो होता है सामान्य पासा। तो सिर्फ मानक पासा से सिर्फ यही पूछा जाएगा कि एक संख्या आपको 2 दी होगी और या 2 या 3 कुछ भी दे सकता है, और पूछेगा इसके विपरीत क्या आएगा। अगर 2 दी है तो विपरीत उसके आएगा 5, 1 दिया है तो विपरीत आएगा 6। तो आगे चलते हैं, आप किस तरीके क्वेश्चन पुट ऑफ किए जाते हैं। प्रकार 1, देखिए प्रकार 1 में किस तरीके क्वेश्चन होंगे। एक पासे की आकृति बनी होगी जो खुला हुआ होगा और आपसे पूछेगा इसके अपोजिट क्या आएगा और उसके अपोजिट क्या आएगा। जैसा कि हमने 5 आकृति बनाई है, 5 आकृतियों में हमने संभावित क्वेश्चनों को रख लिया है कि किस तरीके से आकृति आ सकती है। पहली आकृति देखिएगा, कैसे पहचान करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखें अगर कोई भी आकृति आई हुई है तो बीच का जो अंक होगा उसको हम छोड़ देते हैं और उससे अगला अंक जो होता है वो उसके विपरीत होता है। जैसे 1 के अपोजिट क्या आएगा, इसमें 3 आएगा। 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के अपोजिट 2 के अपोजिट 5 आएगा और 4 के अपोजिट 6 आएगा। इसी प्रकार दूसरी आकृति देखते हैं, इस मैंने बोला था कि 1 खाना छोड़ देते हैं। देखा हमने 1 के अपोजिट 3 आ गया, 2 के अपोजिट 4 आ गया और 5 के अपोजिट 6 आ गया। इसी प्रकार आप लगा सकते हो सब में कि इसमें 4th आकृति देखिए, उसमें आपको पता चल रहा है कि 1 के अपोजिट 3 आएगा, 4 के अपोजिट 6 आएगा और जो बीच में बचा है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो पहला प्रकार हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि आपको 3 या 4 पासे की आकृति दी गई होगी और पूछा जाएगा कि इस अंक को अंक दिया होगा और पूछा जाएगा कि इस अंक के अपोजिट क्या आएगा। जैसा कि हमने 4 आकृति बनाई है, पहली आकृति पे जो अंक दिए हैं वो है 2, 3, 4। दूसरी आकृति पे जो अंक बने वो है 1, 5 और 6। तीसरी आकृति पर जो अंक बने हैं वो है 4, 2 और 5। और चौथी आकृति पर जो अंक बने वो है 2, 6 और 3। आपसे पूछा है 2 के विपरीत क्या आएगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ किए जाएंगे तो सबसे पहले आप वो पासे सर्च करेंगे, देखेंगे कि जिसमें अंक एक जैसे हैं। अब जैसे 4 आकृति हैं, पहली आकृति को लेते हैं, पहली आकृति में जो अंक बने हैं 2, 3, 4। अब देखते हैं इसी तरीके के अंक कोई 1 या 2 अंक किसी और पासे में तो नहीं है। हमने देखा कि इसी तरीके का अंक 2 और 4 तीसरे पासे में है। तो 2 और 4 पहले में भी हैं, 2 और 4 तीसरे में भी हैं। तो दोनों पासी में हम देखते हैं जब दोनों में कॉमन अंक दिख जाएं तो हम देखते हैं कि उन कॉमन अंकों के नीचे वो संख्या आती है जो उन दोनों पासों में नहीं है। तो हमने देखा कि 2 और 4 में 2 कॉमन अंक हैं, इन दोनों पासों में 1 और 6 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ 2 के नीचे या तो 1 आएगा, 2 के नीचे या तो 6 आएगा, 4 के नीचे या तो 1 आएगा, 4 के नीचे या तो 6 आएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि 2 के नीचे सिर्फ 2 के नीचे क्या आएगा। फिर हमने देखा पहले पासे में और चौथे पासे में दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 3। अब 2 और 3 को हमने लिखा, 2 और 3 लिखा। अब देखा कि इन दोनों पासों में कौन सा डिजिट नहीं है। जब हमने पाया कि इन दोनों में 1 और 5 नहीं है, और हमें ये भी देखा कि पहली वाली आग जो हमने पहला जो सॉल्व किया था 2 और 4 के नीचे 1 और 6 था, इसमें हमने देखा 2 और 3 के नीचे 1 और 6, दोनों में क्या कॉमन है 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं कि विपरीत क्या आएगा, कितने भी पास से दो इस तरीके से हम कॉमन ले लेके पता कर लेंगे क्या आएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए पासे में लास्ट और अंतिम जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है,
आपको एक आकृति दी जाएगी, जैसे कि हमने प्रकार वन में बताई थी, लेकिन इस आकृति के चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस आकृति को बंद करने के बाद कौन सा पासा बनेगा। तो जैसा कि पहले पासा हमने देखा, इसमें आकृति लिखा हुआ है, एक से छह तक गिनती लिखी हुई है और चार हमें आकृति दी हुई है, चार पासे दिए हुए हैं। तो पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम इस पासे को तैयार करेंगे, जैसे कि इसमें बताया था कि कौन सी डिजिट के नीचे कौन सी डिजिट आएगी। तो हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि हम एक खाना छोड़ देते हैं, वो जो खाना छोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसके विपरीत होती है। जैसे इसमें दो के नीचे क्या आएगा? एक आएगा और छः के नीचे तीन आएगा और पाँच के नीचे चार आएगा। ये हमने पता कर लिया, लिख भी लिया कि भाई एक के नीचे जो आया इसमें दो आएगा, एक के नीचे दो आएगा, छः के नीचे तीन आएगा और पाँच के नीचे चार आएगा। अब हमने देखा, लिख ली, लिखने के बाद हम गए आंसर पे। पहले पासे में जिसमें वन थ्री और सिक्स दिया हुआ है, हमने देखा कि थ्री और सिक्स दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इस पासे पे दोनों आकृति हमें दिखाई गई हैं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब हमने लिया दूसरा, दूसरे पे हमने देखा कि भाई इस पे एक है, एक के पीछे दो आता है, इस पे दो नहीं है, चलो तीन है, तीन के नीचे छः आता है, छः नहीं है, पाँच के चार आता है, चार नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। देख लेते हैं और मिला के, क्योंकि इसमें जो है उसकी अपोजिट वाली संख्याएं हमें दी हुई हैं। अब तीसरे आंसर, तीसरे क्वेश्चन में चले, भाई इस पे चार पाँच और दो दिया हुआ है, तो चार किसके अपोजिट है? पाँच के। इसका मतलब दोनों संख्या एक दूसरे, इस पे दोनों में से एक दिखनी चाहिए, लेकिन दोनों की दोनों हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अब चलते हैं चौथे वाली डिश पे, देखा कि इसमें एक है, छः है और तीन है। हमने देखा कि भाई एक के नीचे अपोजिट क्या है? एक के अपोजिट इसमें एक के अपोजिट दो है, चलो ठीक है, इसमें एक के अपोजिट वाली संख्या नहीं है। तीन के नीचे छः है, लेकिन तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इस पे दोनों संख्या दी हुई है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आंसर क्या हुआ? सेकंड। तो पासे की तीनों के बारे में आपको पता चला कि पासे से किस तरीके क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, और पासा सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे अच्छे मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। तो इसी क्लास को अभी देखते हैं हम, दूसरा टॉपिक जो हमारा कैलेंडर। जैसा कि आपको पता है, कैलेंडर से भी एक दो क्वेश्चन पुट अप किए ही जाते हैं, तो कैलेंडर भी बहुत ही ईजी है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, महीने का कोड और सदी का कोड। तो सबसे पहले हमने बताया महीने का कोड जो हमें याद करना है, सीधा है, एक देसी भाषा में याद कीजिए, स्टार्टिंग में 033 तीन डिजिट, लास्ट में 035। छः महीने का याद हो गया, बीच का 614 625, तो याद हो गया 033 614 625 और 035। उसके बाद सदी का कोड 6420, मतलब 6 का मतलब 1600 1700 1800 1900 और ये 6000 पे आगे इस तरीके से पढ़ती हुई चली जाती हैं। इसके बाद अब हमें ये पता भी होना चाहिए कि 0 रविवार को बोलते हैं, 1 सोमवार को बोलते हैं, 2 मंगलवार को, 3 बुधवार को, 4 बृहस्पतिवार को, 5 शुक्रवार को और 6 शनिवार को। उसके बाद बस इतनी तीन चीज़ हमें पता चल गया, इसी से सब प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है कि 15 मार्च 2018 को क्या है? सोमवार है। तो 15 मार्च 2019 को क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, या इस तरीके से पूछ सकता है 15 मार्च 2018 को क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 मार्च 2000, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि सच में 15 मार्च 2018 को दिन कौन सा है। तो इसके लिए हमने देखा कि दिन है कौन सा, तो सबसे पहले जो मैंने आपको दिया है महीने का कोड लिखते हैं, फिर सदी का कोड लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर जो वर्ष के अंतिम दो अंक हैं वो लिखते हैं, फिर अंतिम अंकों को चार से भाग देने के बाद जो भागफल आता है, याद रखना उन दो डिजिट को चार से भाग देते हैं, और चार से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने महीने के कोड लिखा, मार्च है, मार्च का कोड कितना है? तीन, हमने तीन लिखा। उसके बाद सदी का कोड, सदी क्या है? 2000, 2000 कोड क्या है? 6, हमने 6 लिखा। उसके बाद देखते हैं कि दिनांक क्या है, दिनांक क्या है? 15 मार्च। उसके बाद वर्ष के अंतिम दो अंक कितने हैं? 18। उसके बाद इस 18 को हमें चार से भाग देना है, चार से भाग देने के बाद जो भागफल होगा वो हम लिखेंगे। हमने इसको चार से भाग दिया, 4 4 16, तो कितना आया भाग देने के बाद? भागफल 4। इसके बाद एक नॉर्मल तरीका है, या तो इन सबको ऐड करके 7 से भाग दे दीजिए, या इन जो बड़ी बड़ी डिजिट है इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करने का मतलब ये है,
सात से डिवाइड दीजिएगा, जो शेष बचे उसको यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे 15 है, 15 को मैंने सात से डिवाइड दिया, 7 2 14 कितना आया 1, 7 2 14 4। अब इस सबको ऐड कर सकते हैं या और भी छोटा कर सकते हैं, हमने इनको ऐड किया 3 और 6 9 10 14 4 18। दोबारा देख लीजिए कितना 18 आया। अब 18 को हमने 7 से डिवाइड दिया तो सिक्स वाल कितना आया 4, जो सिक्स को आया तो उसको हम 7 से भाग देते हैं, जो शेष आया हमारा वो आया 4। अब देखते हैं 4 को क्या है दिल, तो 4 को या भाग ना देके हम और तरीके से कर सकते हो, मैं भी बताऊंगा। 4 आया, 4 को क्या है बृहस्पतिवार, हमने यहां पे लिख दिया बृहस्पतिवार। या इस तरीके से कर लीजिएगा, इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा, 3 और 6 कितना 9 आया, 9 को 7 से डिवाइड दिया तो कितना 2 आया। इसी प्रकार सबको जोड़ लीजिए, 3 3 और 4 7, 7 को 7 से 0 उसके बाद 4, ऐसे भी हाँ 4 लिख सकते हैं, उसको 7 से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये कि हमें यहाँ पे दिया क्या है सोमवार, लेकिन हमारा आया क्या बृहस्पतिवार, तो हम देखते हैं कि कितने दिन पीछे है, 3 दिन पीछे, सोमवार मंगल बुध जो चौथा डे है वो है बृहस्पतिवार। इसी प्रकार को फिर 15 मार्च 2019 को सॉल्व करेंगे, मतलब जब आप इसको हार्ड नहीं लगेगा, जब आप एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो आप बिना किसी चीज़ के तुरंत लिख देंगे। हमने फिर से देखा कि 15 लिखा, महीने का कोड क्या है 3, सदी का कोड क्या है 6, दिनांक कितना है 15, वर्ष कितना है 19, 4 से डिवाइड दिया तो भागफल 4 ही आया। उसके बाद इस सबको ऐड कर दीजिए या फिर इसको 7 से यहीं पे डिवाइड दीजिए, 7 से डिवाइड दिया तो 1 आया, से 7 से डिवाइड दिया तो 5 आया। अब सबको देखते हैं, 3 और 6 कितना था 9, 9 10 15 और ये कितना आया 19। इसको 7 से भाग दे दीजिए, 7 2 14 कितना बचा 5, तो 5 को क्या है शुक्रवार, हमारा आंसर में क्या है शुक्रवार। लेकिन ये जैसे मैंने बताया सोमवार मंगल बुध फिर बृहस्पति आया, बृहस्पति से पहले क्या आता है बुध, बुध से पहले आता है मंगल, फिर सोमवार आया, मतलब 4 पीछे गए, ऐसे 4 पीछे ले जाइए, शुक्रवार, शुक्र से वर्ष पहले आया बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, फिर आंसर में लिख देंगे उस दिन क्या था मंगलवार, ठीक है, समझ में आया। अब इसकी बात करते हैं टाइप टू, टाइप टू पे इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था तो उस दिन कौन सा था, दिन इजीली निकाल लोगे, इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले महीने का कोड लिखा अक्टूबर, अक्टूबर में क्या आया 0 महीने का कोड, उसके बाद आप लिखेंगे भाई इस दिन सदी का कोड को 1800 की सदी का क्या है 2, दिनांक क्या है 2, अंतिम अंक क्या है 69 और इसको 4 से भाग दिया, हमने 4 से 69 को भाग दिया तो कितना बचा 17 4 68, तो कितना बचा ये इसका भागफल 17। अब देखिए इसको इतने को ऐड करने से अच्छा है इसको हम 7 से डिवाइड दे देते हैं, 7 से 69 को डिवाइड दिया तो कितना गया फिर दे लीजिए 6 आया, इसको 7 से दिया 3 आया, अब सबको ऐड कर दीजिए 4 6 4 10, 7 गया 3 बचा, 3 और 3 6, तो उस दिन क्या था शनिवार था। देखिए अगर आप इसको सीधा लिखेंगे पूरा ऐड करेंगे, 7 से ही डिवाइड नहीं करेंगे तो आपको लास्ट में इसको 7 से डिवाइड करना होगा, या अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो इसको यहीं पे 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं
कि इस दिन सोमवार है उस दिन क्या होगा, या इस दिन ये दिन था तो उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तीसरा इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि किसी वर्ष 19 फरवरी को शनिवार है तो अगले वर्ष 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी वाला क्वेश्चनों में समझने में नहीं आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं या कुछ गलतियां हमसे हुई हैं तो प्लीज़ हमसे उनको अवगत कराइएगा, क्योंकि अभी इसके बाद 19 क्लासेस और हैं जिससे हम आपको और अच्छे से तैयार कर सकें। इसी के साथ अगली नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं हम।